हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी झड़ते बाल और कम ग्रोथ से परेशान हो चुके हो? तो इस ऑयल को आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इस ऑयल को बनाने में ज़्यादा झंझट नहीं है, ज़्यादा कुछ सामग्री नहीं है। नारियल के तेल में कुछ ऐसी चीज़ें हमने मिक्स की है जिससे ये एकदम पावरफुल ऑयल बन गए हैं। इससे लगाने से आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, आपके बाल सॉफ्ट, मुलायम, चमकदार, मजबूत हो जाएंगे, लंबी चोटी होने लगेगी, एकदम घने बाल हो जाएंगे आपके। जिसकी पतली चोटी है वो भी मोटी होने लगेगी। तो अगर आपको ये ऑयल बनाना है तो वीडियो को लास्ट तक फॉलो कीजिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमने इसको बनाया कैसे है। तो सबसे पहले हमने करी पत्ता लिया है। अब करी पत्ता बालों के लिए क्या काम करता है मैं आपको बताती हूँ। यह बालों को बढ़ाने, बालों की ग्रोथ में मदद करता है। ये खोपड़ी से गंदगी दूर करता है और बालों को मजबूत बनाने के साथ साथ घना भी बनाते हैं। करी पत्ते में विटामिन बी, सी, प्रोटीन और ऐसे कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। बालों की जड़ को पोषण भी देते हैं और बालों को बढ़ाने में मददगार भी करते हैं। इनके बहुत सारे फायदे होते हैं। जितना इनके गुण बताओ बालों के लिए उतना ही कम है। सारी समस्याएं बालों की ये दूर करते हैं करी पत्ता। लेकिन ये थोड़े सूख गए हैं तो मैं सारे पत्ते ले लिए, सूखे हुए मैंने हटाए नहीं हैं। और ये मैंने नीम के पत्ते लिए। नीम के पत्ते भी बालों को झड़ना बंद करते हैं, बालों की चमक बढ़ाते हैं और बालों को मुलायम करते हैं, बाल मजबूत भी बनाते हैं और इस नीम से बाल घने लंबे भी होते हैं। तो ये नीम भी आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये हर जगह मिल ही जाता है, नीम और करी पत्ता हमें कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इनका पेस्ट बनाएंगे। तो ये मेरा पेस्ट नहीं बनेगा क्योंकि थोड़े से सूख गए थे। अगर फ्रेश आप लोगे तो आपका पेस्ट बनेगा, लेकिन मेरा थोड़ा ये 2 दिन के हो गए थे पत्ते, तो मैं बाद में बना रही हूँ, तो ये सूख गए थे। तो इसका पाउडर जैसा बना है। आप पेस्ट फ्रेश पत्तों का बना सकते हो, वो भी काम करेगा, लेकिन ये थोड़ा सूख गया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका ऑयल हम बना लेंगे। तो हमने करी पत्ता और नीम के पत्तों को अच्छे से पीस लिया है। अभी हम इसमें क्या सामग्री ऐड करेंगे तो आप लास्ट तक वीडियो बने रहे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझाऊंगी कैसे लगाना है, कैसे इस ऑयल को बनाना है, क्या काम करता है ये। तो ये देखिए, अभी हम क्या करेंगे, लोहे की कढ़ाई लेंगे। अगर फ्रेंड्स मैं यही बताऊंगी, जहाँ तक हो सके आप बालों के लिए जो भी चीज़ बनाते हो, मेहंदी भी होते हो, तो लोहे की कढ़ाई का ही यूज़ कीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा फायदा करती है। अगर नहीं है तो आप नॉर्मल कर सकते हो, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि आप लोहे का कढ़ाई का ही यूज़ कीजिएगा। अभी हमने वो उसमें पाउडर डाल दिया है। अभी हम एक चीज़ और डालेंगे, एलोवेरा। ये भी बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करता है। ये सब चीज़ें बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा करती है। जिसके बाल समय से पहले वाइट हो गए हैं वो भी काला होना शुरू हो जाएंगे और कभी वाइट नहीं होंगे, कभी बाल आपके सफ़ेद नहीं बनेंगे इन चीज़ों को लगाने से। और ये क्या है, मैं साइड से इनको कट कर देती हूँ। साइड वाला हिस्सा हमें नहीं कट करना है, इससे खुजली शुरू हो जाती है, तो ये हम हटा देंगे, अच्छा नहीं रहता है। तो ये एलोवेरा बालों को कंडीशनर का काम करती है। बालों में इतना सॉफ्ट और चमकदार बालों को बना देगी, घना बना देगी, मजबूत कर बाल लंबा करने में ये भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो ये आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो देखिए, जेल से एकदम भरा हुआ है अंदर से, तो मैं ऐसे इनको कट कर लेती हूँ। पतली पतली स्लाइस में हमें कट कर लेना है। और ये देखिए कितना मोटा है, एकदम जेल पूरा अंदर से भरा हुआ। मैं आपको दिखाती हूँ कट करके थोड़ा सा। ये देखिए पूरा जेल इसमें अच्छे से भरा हुआ है। तो इसका ऑयल बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा एकदम। ये ऑयल कंडीशनर का भी काम करेगा। जब हम शैम्पू करके करते हैं तो आपको वो करने का कोई झंझट नहीं रहेगा। ये सारा ऑयल एक साथ काम करेगा तो बालों की हर समस्या आपकी मिट जाएगी। तो इस ऑयल को ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। ये बच्चों को, किसी को भी आप फ्रेंड्स लगा सकते हो, सबका फ़ायदा होगा। जो गंजापन स्टार्ट हो गए है वो भी हट जाएंगे, छोटे छोटे बाल उगने स्टार्ट हो जाएंगे। और जिसके बाल पूरी तरीके से झड़ रहे हैं वो तो एक बार में लगाने से ही ख़त्म हो जाएंगे। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आप एक बार लगाने से, आप ज़रूर देखें, एक बार लगाओ और फिर बालों को धो, एक बार से बाल आपके झड़ना बंद हो जाएंगे, मैं गारंटी के साथ आपको बोलती हूँ। तो ये देखिए, बातों ही बातों में हमने इसको एलोवेरा को कट कर लिया है। इस तरह बारीक हमें कट कर लेना है ताकि अच्छे से इसका ऑयल बन पाए। इसका आप पेस्ट भी बना सकते हो। मैंने पेस्ट नहीं बनाया, इसको मैं सीधा ऐसे ही कट कर लिया है। तो अभी हम इसको भी क्या करेंगे, कढ़ाई में डाल लेंगे। तो इसको भी मैं कढ़ाई में डाल लेती हूँ।
तो मैंने इस कटोरी का मेजरमेंट रखा है फ्रेंड्स कि हमने ये सारे कितना कितना लिया, तो आधा कटोरी हमने सारी चीज़ इसमें ऐड किए हैं। तो आधा कटोरी हम इसमें ऑयल डालेंगे, नारियल का ऑयल है। अगर फ्रेंड्स बाय चांस आपके पास नारियल का ऑयल नहीं है तो आप सरसों का ऑयल भी ले सकते हो, लेकिन नारियल का और सरसों का ऑयल दोनों बहुत ज़्यादा बालों के लिए एक फ़ायदेमंद होते हैं। और ये मैंने गुड़हल के फूल लिए हैं, ये भी फ्रेंड्स बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। अगर आपको ऐसे पता ना चले, मेरी बातों पे आपको यकीन नहीं है, तो मैं हर बार यही बोलती हूँ कि आप गूगल पे जाके सर्च मार के देख सकते हो कि बालों के लिए कितने फ़ायदा करते हैं ये गुड़हल के फूल, करी पत्ता, नीम, एलोवेरा सब देख सकते हो आप, तो आपको विश्वास हो जाएगा। विश्वास तो फ्रेंड्स आपको करना ही पड़ेगा। तो देखिए कितनी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी है। तो इतना आप अगर मिक्स करके लगाओगे तो इसको ऐसे भी सीधा बिना ऑयल के भी अगर आप लगाओगे ना, तो बालों में आपके बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आएगा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो हम इसका ऑयल बना रहे हैं क्योंकि डेली का हमें झंझट नहीं करना पड़ेगा, या हम डेली अगर पेस्ट बना के डेली लगाएंगे तो उसमें हमें थोड़ा झंझट लगता है, लेकिन एक बार ऑयल बना के छोड़ देंगे तो जब भी आपका मन करे आप ऑयल बना सकते हो। और इसमें कोई महक नहीं, प्याज डालने से फ्रेंड्स क्या कि किसी को सेट नहीं करता, महक आने लगती है, लेकिन इसमें हम ऐसी चीज़ें ऐड की है कि इसकी महक सबको पसंद होगी। तो देखिए सभी को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया, अब मैंने गैस पे इसको चढ़ा दिया है। अभी हम इसमें डालेंगे आधा कटोरी सरसों का ऑयल। तो आप पूरा नारियल का तेल भी डाल सकते हो या सरसों का तेल भी एक ले सकते हो, लेकिन मैंने आधा नारियल का तेल लिया है, आधा सरसों का तेल लिया है। दोनों को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, तो इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर बाय चांस आपके पास नारियल का तेल नहीं है तो आप सरसों का पूरा डाल सकते हो एक कटोरी, अगर सरसों का नहीं है तो आप एक कटोरी नारियल का तेल ऐड कर सकते हो। अगर आपको नारियल का तेल सूट नहीं कर रहा तो सरसों का यूज कर सकते हो, और सरसों का नहीं हो रहा तो आप नारियल का यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है। तो इसको हम ऐसे मिक्स कर देंगे और फ्रेंड्स इसको छोड़ देंगे एकदम मीडियम लो फ्लेम पे। इसको मिक्स करके हमें छोड़ देना है और इसमें जो एक बार इसको अच्छे से इसमें झाग आएंगे, उसके बाद में थोड़े थोड़े कम हो जाएंगे। इसको हमें ज़्यादा नहीं जलाना है, कितना जलाना है मैं आपको बताती हूँ। तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और गैस को मीडियम लो फ्लेम रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है इसको। तो ये देखिए फिर थोड़ा गर्म हुआ तो इसमें अच्छे से झाग आ गए हैं। तो इसमें ये साथ में मैं मेथी भूल गई थी, मेथी भी इसमें ऐड कर दिया है और इनको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको थोड़ा पकाएंगे। मेथी को भी साथ में हम पका लेंगे। मेथी आपको शुरू में डालनी है, लेकिन मैं पहले थोड़ा दिमाग से निकल गई थी, फिर मैंने ध्यान किया तो मैं इसमें ऐड किया है। तो मेथी को आप शुरू में ही ऐड कर देना है, अगर पाउडर है तो पाउडर भी आप ऐड कर सकते हो। तो मेथी भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, इसमें बहुत ज़्यादा चिकनाहट होती है। तो अच्छे से हमें मिक्स कर देना है और इसको हम पकाते रहेंगे, बीच बीच में आपको ऐसे इसको चलाते रहना है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा ताकि ऐसी मैं नई नई यूज़फुल वीडियो आपके लिए ला सकूँ। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, जो सामने घंटी का निशान है उसको भी ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरा हर वीडियो का मैसेज आप तक पहुंच सके। और जो पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए अच्छे से हमने इसको पका लिया है और अभी हम गैस को बंद कर देंगे क्योंकि अभी इनका कलर चेंज हो गया है, ज़्यादा हमें नहीं पकाना है नहीं तो इसके सारे गुण ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह हमें पकाना है कि इनका कलर चेंज हो जाए। अभी हम क्या करेंगे, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये अच्छे से ठंडा हो चुका है और ये देखिए इसको पहले हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं, जो एलोवेरा था वो अच्छे से इसमें पेस्ट जैसा बन जाएगा। वैसे ही बन चुका है लेकिन थोड़ा सा हम चम्मच से इसको मिक्स कर दिया है। अभी हम इसको कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। उसी कटोरी में हम छान लेंगे, आप कोई भी कपड़े से भी छान सकते हो या छलनी से भी छान सकते हो, मैं छलनी से छान रही हूँ। आप कपड़े से छानोगे तो और भी अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें सारा ऑयल निकल जाएगा, छलनी में थोड़ा रह जाता है, लेकिन अभी मैं छलनी से ही छान रही हूँ। मेरे पास इस टाइम कपड़ा नहीं है, कोई भी कॉटन का कपड़ा आप ले सकते हो, उससे बहुत ईजी रहेगा, आपका ऑयल वेस्ट नहीं जाएगा। तो अच्छे से हमें पूरा मैं छान लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, नहीं तो लंबा वीडियो बन जाता है बहुत ज़्यादा।
तो ये देखिए पूरा मैंने छान लिया है। और ये देखिए कितना ये एलोवेरा और नीम के पत्ते थे, अब इतना सा थोड़ा सा एक छोटी सी कटोरी में पूरा पेस्ट आ गया है, पूरा जल गया है इसमें, ये देखिए। और इसको हम साइड में कर देते हैं। और ये देखिए ये ऑयल हमारा बन गया है। इसको आप इसको फेंकना नहीं है, इसको भी आप पेस्ट बना के मेहंदी की तरह बालों में लगा सकते हो। ये भी बहुत ज़्यादा गुणकारी है, अगर आपके पास टाइम है नहीं तो आप फेंक सकते हो। और ये ऑयल हमारा बन गया फ्रेंड्स, ये इतना पावरफुल बना है कि आप खुद हैरान रह जाओगे इसको लगा के। अगर आप हफ्ते में इसको 2 बार भी लगा लिया ना, तो बाल आपके इतने लंबे इतने घने हो जाएंगे कि आपको खुद को यकीन नहीं होगा। तो इसको हफ्ते में फ्रेंड्स 2 बार लगाना है, 2 बार आप कंटिन्यू ऐसे हफ्ते में 2 बार लगाओगे तो बाल आपके घने मजबूत, जड़ भी इन बालों की मजबूत हो जाएगी, बालों बाल मुलायम हो जाएंगे, बालों में चमक आ जाएगी, बाल एकदम सिल्की हो जाएंगे, झड़ना तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा और ग्रोथ भी अच्छे से होगी, जिससे आपकी चोटी बहुत लंबी बनेगी और मोटी भी बनेगी, दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो इस ऑयल को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हफ्ते में 2 बार लगाना है, रात को लगा के अच्छे से मालिश करके सो जाना है, सुबह बाल को शैम्पू कर लेना है। अगर आपको टाइम नहीं है तो आप इसको बाल धोने के पहले 2 घंटा आपको अच्छे से मालिश करके छोड़ देना है, उसके बाद आपको बाल को धोना है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर इसको रात भर आप बालों में लगा के छोड़ के सुबह बाल धोओगे तो ज़्यादा फायदा करेगा। लेकिन किसी किसी के पास किसी को अच्छा नहीं लगता ऑयल लगाना, तो टाइम नहीं रहता, तो मैं आपको ये भी बोलूँगी कि आप बाल धोने से 2 घंटे पहले भी इसको लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।